डॉक्टर सचिन गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डॉक्टर सचिन गोस्वामी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का लिखा हुआ नाटक आर्म्स एंड द मैन। जैसा कि आप जानते हैं कि जीबी शाह जो है वो प्रॉब्लम प्लेज लिखते हैं और इनका जो ये प्ले है आर्म्स एंड द मैन ये एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। दोस्तों आर्म्स एंड द मैन जैसा कि हमें टाइटल से ही पता चल रहा है यहाँ पर हथियार की बात हो रही है और किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है। तो ये जो कहानी है दोस्तों ये कहानी जो इसका सेटिंग है वो बुल्गारिया की कहानी है। ये बुल्गारिया नामक एक स्थान की एक देश की कहानी है। इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं उनसे मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, उनसे रूबरू आपको करा देता हूँ। सबसे पहला जो इसमें फीमेल प्रोटैगोनिस्ट है इस कहानी की वो है रैना। रैना इस कहानी की नायिका है और वो एक ब्यूटीफुल गर्ल है, अ यंग ब्यूटीफुल गर्ल रैना। रैना का मंगेतर है जिसका नाम है मेजर सर्जियस। सर्जियस से रैना की मंगनी हुई हुई है, इनकी सगाई हो चुकी है। और इसके अलावा इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है ब्लंट शेली, जिसको फोगेटिव कहा गया है। एक भगोड़ा है ये, और जो ब्लंट शेली है वो रैना का लवर भी है। इसके अलावा रैना के फादर का नाम है मेजर पैटकॉफ और जो रैना की माँ है वो है कैथराइन। और इसके अलावा इस कहानी में दो घर के नौकर हैं, एक लुका और दूसरा निकोला। लुका जो है वो घर की नौकरानी है और जबकि निकोला जो है वो घर का नौकर है। दोस्तों ये हैं इस कहानी के मुख्य किरदार। अब हम स्टार्ट करते हैं कहानी की तरफ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जैसे कि आप जानते हैं कि जीबी शाह जो है वो प्रकृति का नेचर, नेचुरल बैकग्राउंड, ये सीन ये भी अपने नाटकों में दर्शाते हैं। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो ये नाटक है आर्म्स एंड द मैन ये भी स्टार्ट होता है बालकोनी की सीन से। बालकोनी में जो कि रैना, जो कि सुंदर दिखने वाली एक लड़की है और उसको प्रकृति को निहारना बहुत पसंद है। प्रकृति के दृश्यों को देखना रैना को बहुत अच्छा लगता है। रैना आज भी अपने कमरे में खिड़की खोली हुई है इसने और प्रकृति का सुंदर दृश्य वो निहार रही है। बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ उनको वो देख रही है। रैना को इस प्रकार से खिड़की से दृश्य को देखना बहुत अच्छा लगता है। बात कर लेते हैं रैना के कमरे की। तो रैना का जो कमरा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है क्योंकि उसमें बहुत कॉस्टली फर्नीचर डाला हुआ है। रैना के कमरे में एक बेड है, बेड के बराबर में एक छोटा सा स्टूल रखा हुआ है और इसके साथ साथ रैना के कमरे में एक छोटा सा सोफ़ा भी वहाँ पर है। और जो ये फर्नीचर है रैना के कमरे का बहुत कॉस्टली फर्नीचर है। रैना एक शहजादी की तरह वहाँ पर रहती है। रैना ने आज रात एक गाउन पहना हुआ है दोस्तों, और ये जो गाउन है, गाउन की अगर जो हम बात करें तो उसका गाउन भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और इसको हम टोटल जो फर्नीचर है कमरे का उससे के प्राइस से इसकी तुलना लेखक ने यहाँ पर की है कि इतना ही कॉस्टली इसका गाउन है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रैना किस प्रकार की लड़की है। रैना एक ऐसी लड़की है जो कल्पनाओं में रहना पसंद करती है, कल्पना की दुनिया पसंद करती है और उसको फिक्शंस पढ़ना पसंद है, उपन्यास पढ़ना उसको अच्छा लगता है, उपन्यास और कहानियाँ पढ़ना रैना पसंद करती है। रैना प्रकृति के दृश्य को निहार रही होती है। इसी बीच में रैना के पास में एक जो नौकरानी है और रैना की माँ, वो ये एक इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि वो अपनी खिड़कियों को सही प्रकार से बंद कर ले क्योंकि खबर ये आती है कि रैना की माँ उसको खबर ये लेकर आती है कि तुम्हारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। खुशी की बात यह है कि तुम्हारा मंगेतर मेजर सर्जियस जो मेजर पैटकॉफ के साथ युद्ध पर गया हुआ था। दोस्तों इसमें जो है एक युद्ध की बात आई है जैसे बल्गारिया और सर्बियन आर्मी दोनों के बीच में एक युद्ध चल रहा था। तो जो मेजर सर्जियस था रैना का मंगेतर वो उस युद्ध पर गया हुआ था। उस युद्ध का उसको एक तरह से एक नायक भी उस युद्ध का कहा जा सकता है। तो वो वहाँ पर उस युद्ध पे गया हुआ था और उधर वो युद्ध जीत चुके हैं। तो रैना की माँ ये खबर देती है कि बेटा जो है युद्ध जीता जा चुका है और इसका युद्ध का जो हीरो रहा वो मेजर सर्जियस रहा। लेकिन एक डर की भी बात है। डर की बात ये है कि वहाँ से एक फोगेटिव, एक भगोड़ा जो है जो सर्बियन आर्मी का है वो बुल्गारिया में एंटर हो चुका है, तो उससे बच के रहना है। तो बेटा ये जो खिड़कियां हैं ना इसकी चटकनी लगा लो और इसको अच्छी तरह से बंद कर लो। रैना कहती है ठीक है ये मैं अच्छी प्रकार से कर लूँगी। तो रैना इस प्रकार से
ये करती है कि रैना जो है अब वो चटकनी लगाने का आलस कर जाती है, और दूसरी तरफ क्योंकि वो जब देखती है ना तो उससे लग नहीं रही होती है वो चटकनी कि शायद हो सकता है वो ख़राबी उसमें आ गई हो, तो वो उसको आलस सा मान जाती है और उसको सही प्रकार से नहीं करती। तो ऐसे ही उसको भेड़ कर वो अपने बिस्तर की तरफ चली जाती है जो रैना होती है। इसी बीच में रैना मेजर सर्जियस का जो फ़ोटो है उसको निहारती है और उसको अपने दिल से लगा लेती है और उसको माय हीरो, ठीक है, माय लव कहकर वो पुकारती है कि मेरा हीरो, मेरा प्रेम, प्रेमी, तो ये कहकर पुकारती है। इसी बीच में क्या होता है, इसी बीच में एक घटना घटित होती है। घटना क्या घटित होती है कि जो वो भगोड़ा था जिसके बारे में बातें हो रही थी, जिसका नाम है ब्लेंड शेली, वो भगोड़ा पाइप के सहारे रैना के कमरे में प्रवेश कर चुका है। जब वो रैना के कमरे में प्रवेश करता है तो रैना जो है वो चीखने को होती है, लेकिन तभी वो उसका मुंह दबा देता है और रैना को शांत करता है, शांत रहने के लिए कहता है, चुप रहने के लिए कहता है। अब इसी बीच में जो है रैना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो व्यक्ति जो है रैना के कमरे में को चारों तरफ से देखता है और रैना से डिमांड करता है वो कुछ खाने के लिए। रैना कहती है कि मेरे पास यहाँ पर तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं कुछ नहीं दे सकती। तो इस पर वो जो व्यक्ति है, वो जो भगोड़ा है, वो रैना से ये कहता है कि ये जो चॉकलेट का डिब्बा है ये क्या मुझे मिल पाएगा, क्योंकि वो एक चॉकलेट के डिब्बे की तरफ देखता है क्योंकि रैना को भी चॉकलेट टॉफीज़ का शौक था। तो वो चॉकलेट के डिब्बे की तरफ देखता है, रैना उसको चॉकलेट का डिब्बा देती है और वो सारी चॉकलेट देखते ही देखते सारी की सारी वो खा जाता है जो ये भगोड़ा होता है। रैना उसके इस व्यवहार को देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य में थी। इसी बीच में ये जो ब्लेंड शेली है ये रैना को बताता है कि मैं जब युद्ध पर भी जाता हूँ ना तो मैं अपने साथ कारतूस नहीं रखता, मैं अपने साथ गोलियाँ नहीं रखता हूँ, बल्कि मैं तो चॉकलेट्स अपने साथ लेकर जाता हूँ। जब भी कोई धमाके की आवाज़ होती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक चॉकलेट खा लेता हूँ, मैं इस प्रकार से युद्ध में करता हूँ। रैना इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित भी होती कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, सैनिकों के साथ लूका जो है वो उसका कमरा खटखटाती है रैना का। यहाँ पर ब्लेंड शेली जो है वो रैना से ये कहता है कि वो उसको कहीं मतलब छुपा दे। तो इसी बीच में रैना क्या करती है, रैना उसको पर्दे के पीछे छुपा देती है। और लेकिन यहाँ पर ब्लेंड शेली एक चाल चलता है, क्योंकि रैना को क्या था, रैना रात के समय रैना को कपड़े पहनने की आदत नहीं थी। रैना क्या करती थी, अपना जो नाइट गाउन था उसको भी वो पुट ऑफ कर देती थी, उसको उतार कर रख देती थी। तो यहाँ पर ये व्यक्ति क्या करता है, इसको अपना एक औजार बनाता है, वो रैना के नाइट गाउन को ले लेता है, उसका इंटेंशन गलत नहीं था, बट उसके नाइट गाउन को ले लेता है और उसको लेकर वो छिप जाता है ताकि रैना जो है किसी प्रकार से मतलब उसके बारे में कुछ कहे ना किसी से। इसी बीच में क्या होता है, वो यहाँ पर लूका को ये इन्फॉर्म कर देती कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। लेकिन लूका जो है वो यहाँ पर पहचान जाती कि यहाँ पर कोई ना कोई है, क्योंकि वो उसके पैरों के निशान यहाँ पर देख लेती है, ब्लेंड शेली को देख लेती है, मतलब उसके पैरों का देख लेती है। लेकिन लूका जो है वो यहाँ पर फ़ायदा उठाने की सोचती है, सोचती कि मैं जो है मालकिन को ब्लैकमेल करूँगी, रैना को ब्लैकमेल करूँगी और इस बात का बदला मैं कहीं ना कहीं आगे उनसे ले लूँगी और इसका हर्जाना मैं उनसे कहीं ना कहीं ले लूँगी। तो लूका ऐसा सोचती है। इसी बीच में ब्लेंड शेली से जो है रैना की और ब्लेंड शेली की बातें हो रही होती हैं। इसी बीच में ब्लेंड शेली रैना के कमरे में सर्जियस की फोटो देख लेता है और जब वो सर्जियस की फोटो देखता है तो वो कहता है कि कायर इसमें क्या कर रहा है। रैना इसको देखकर, इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है कि वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पर वो बताता है कि हाँ, ये वास्तव में कायर ही है, क्योंकि जो व्यक्ति युद्ध के नियमों को ताक पे रखकर लड़े वो व्यक्ति कायर ही होता है। और ये व्यक्ति क्या कर रहा था, युद्ध के नियमों के विपरीत जाकर इन्होंने युद्ध को जीता है, ये इस प्रकार से उनको बताता है। इसी बीच में क्या होता है, इसी बीच में जो ब्लेंड शेली है जब वो ये बात रैना को बताता है तो रैना जो है इस पर जो है ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती कि कैसा हो सकता है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, बट ऐसा हुआ था। तो रैना इस चीज़ को थोड़ा लाइट ही लेती है। लेकिन अब जब बात ब्लेंड शेली के जाने की होती है, वो कहता है कि मुझे जाना है तो मेरे जाने का इंतज़ाम तुम यहाँ पर करो, तो रैना क्या करती है, अपनी माँ कैथरीन को बुलाती है और अपनी माँ कैथरीन से उसके लिए कहती कि ये ऐसे से बहुत अच्छा व्यक्ति है और इनका इंटेंशन कोई गलत नहीं है, तो प्लीज़ माँ इसको पेटकॉफ को बिना बताए इनको जाने दो। तो यहाँ पर जो ब्लेंड शेली है, ब्लेंड शेली को एक कोट दिया जाता है
और ये कोट किसका होता है, ये कोट होता है मेजर पेटकॉफ का। तो मेजर पेटकॉफ का कोट ब्लेंडशेली को दिया जाता है और ब्लेंडशेली क्या करता है, यहाँ पर उस कोट को पहनकर वो निकल जाता है। लेकिन इसी बीच में, क्योंकि उस रात में रैना जो थी वो आकर्षित हो चुकी थी ब्लेंडशेली पर, रैना उससे प्रेम करने लगी थी रात ही रात में, और इसी बीच में रैना अपने प्रेम के इजहार के लिए अपना एक फोटो ब्लेंडशेली की जेब में डाल देती है और उसके पीछे लिख देती है एक प्यारा सा नजराना मेरे चॉकलेट क्रीम सोल्जर के लिए। वो ये शब्द लिखकर ब्लेंडशेली के पॉकेट में ये डाल देती है और ब्लेंडशेली वहाँ से निकल जाता है। इसी बीच में जो हमारा एक दूसरा फिर एक्ट होता है, इसमें क्या है, इसमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से मेजर सर्जियस जो हैं, मेजर सर्जियस यहाँ पर वहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर वो अपने युद्ध की जो खुशी है उसका इजहार करना चाहते हैं रैना के साथ। रैना को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने युद्ध जीता है। और जब वो आ रहे होते हैं तो कॉरिडोर में वहाँ पर उनकी टक्कर हो जाती है घर की नौकरानी लूका से, और जब वो लूका को देखते हैं सर्जियस तो लूका की तरफ आकर्षित होते हैं और उनका आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि वो लूका को एक घुड़साल में ले जाते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि घर में ये जो नौकर और नौकरानी थे लूका और निकोला, ये घर में ये कहकर आए थे मेजर पेटकॉफ से कि इन दोनों, ये दोनों एंगेज्ड हैं और शीघ्र ही शादी कर लेंगे, क्योंकि मेजर पेटकॉफ चाहते थे कि उनके घर में कोई मैरिड जो सर्वेंट्स हैं वही काम करें, अनमैरिड ना करें। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा था। और निकोला वास्तव में लूका से प्रेम करता है, वो चाहता है कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन लूका हमेशा निकोला से ये कहती थी कि मुझसे शादी करने वाला तो कोई शाही घराने का होगा, मुझसे शादी करने वाला कोई शहजादा होगा, उससे मैं शादी करूंगी, तुम जैसे नौकर से नहीं। और आज लूका को यहाँ पर मौका दिखाई दे रहा था जब वो देखती है मेजर सर्जियस उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, और मेजर सर्जियस इस मौके का फ़ायदा उठाता है। लूका भी यहाँ पर कोई मना नहीं करती है उसको, और मेजर सर्जियस लूका को लेकर घुड़साल में चला जाता है। वहाँ पर जब वो उसके साथ यहाँ पर एंटरटेन हो रहा होता है तो उसी बीच में लूका एक स्टेटमेंट बोलती है। लूका ये कहती है कि मेजर सर्जियस, जो आप अपनी मंगेतर के पीठ पीछे मेरे साथ कर रहे हो ना, वही चीज़ आपकी मंगेतर आपके पीठ पीछे किसी और के साथ कर रही है। इस बात को सुनकर मेजर सर्जियस आग बबूला हो जाता है और रैना पर क्रोधित होता है। रैना उसके क्रोध को जो है समझ जाती कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, और तब उसको ब्लेंडशेली की याद आती है कि ब्लेंडशेली ने वास्तव में सही बताया था, कि इसके करेक्टर के बारे में सही रिवील किया था। इसी बीच में अब क्या होता है, यहाँ पर मेजर पेटकॉफ है, रैना के फादर, और रैना की माँ जो मिसेस पेटकॉफ है, कैथरीन है, उनके बीच में संवाद होता है। यहाँ पर संवाद क्या है कि ये जो कैथरीन है ये कपड़ों को सुखा देती हैं, पूरे चारों तरफ फैलाकर सुखा देती हैं। तो यहाँ पर मेजर पेटकॉफ कहते हैं, क्या तुम्हें बिल्कुल भी सभ्यता नहीं है कि तुम चारों तरफ कपड़ों को सुखा देती हो, चारों तरफ फैला देती हो? सभ्य व्यक्तियों के परिवार में इस प्रकार का माहौल नहीं होता। तो इस पर जो मिसेस पेटकॉफ है वो पेटकॉफ को, यहाँ पर मेजर पेटकॉफ को ये कहती हैं कि सभ्य लोगों के घरों में नौकरों को बुलाने के लिए चिल्लाते भी नहीं है बल्कि घंटी का प्रयोग करते हैं। तो इनमें इस प्रकार के जो हास्यात्मक संवाद हैं ये एक दूसरे के बीच में चलते रहते हैं। इसी बीच में जो कहानी का दृश्य है वो परिवर्तित होता है। ब्लेंडशेली को लगता है कि अब उसको वो कोट लौटाना चाहिए। तो यहाँ पर ब्लेंडशेली जो है वो कोट लौटाने आ चुका है, और यहाँ पर वो ब्लेंडशेली ऑलरेडी पेटकॉफ से मिल चुका है, अपना परिचय दे चुका है, और यहाँ पर सर्जियस से भी मिल चुका है। और इस दृश्य को देखकर कि वो रैना बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होती है कि मेजर पेटकॉफ से वो कैसे मिल लिया, और तब वो उस कोट के बारे में पूछती है जो वो फोटो की बात होती है। अब यहाँ पर ये जो फोटो होता है ये हाथ में लग जाता है मेजर पेटकॉफ के, और जिसमें लिखा हुआ था एक प्यारा सा नजराना मेरे चॉकलेट क्रीम सोल्जर के लिए। मेजर पेटकॉफ उस फोटो को देखकर ये समझते हैं कि शायद ये रैना ने सर्जियस के लिए लिखा होगा, सर्जियस के लिए होगा। यहाँ पर वो कोट लौटाने आया है। रैना यहाँ पर ब्लेंडशेली से ये पूछती है कि क्या, अपने फोटो के बारे में पूछती है, उस चीज़ के बारे में पूछती है। तो वो उस चीज़ को कहता है कि कौन सा फ़ोटो, कैसा फ़ोटो। तब रैना अपनी सारी बात बताती है, अपने मन की फीलिंग्स ब्लेंडशेली को बताती है। तो वो ये कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम उससे प्रेम करती हो या फिर कोई ऐसी बात है, बल्कि जब मैंने तुम्हें देखा था मैं तो ये समझता था कि तुम 17 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची हो। और यहाँ पर रैना अपनी एक्चुअल एज उसको बताती है कि मैं 17 साल की नहीं हूँ बल्कि मैं 20+ हूँ और मैं 23 के अराउंड हूँ। तो वो ये
बताती है, रैना जो है, रैना ने अपनी उम्र बताती है और अपने प्रेम का इजहार वो ब्रेंड शेली से करती है। इसी बीच में बात आती है रैना के अब रिश्ते को लेकर, क्योंकि रैना जो थी कहीं ना कहीं मेजर सर्जियस को लेकर थोड़ी सी सेटिस्फाइड नहीं थी। यहाँ पर मेजर पेटकोफ के बीच में ये बात पहुँचती है, तो ये डिसाइड होता है, मेजर पेटकोफ कहते हैं ठीक है ये डिसाइड कर लेते हैं कि तुम में से कौन मेरी रैना के लायक होगा। तो यहाँ पर दोनों का युद्ध हो जाता है, एक लड़ाई के लिए दोनों को चैलेंज किया जाता है कि जो जीत जाएगा वो रैना का जो है हस्बैंड बनेगा। अब रैना ये चीज़ नहीं चाहती कि वो कोई पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट नहीं थी कि उसके लिए लोग लड़ें, तो रैना यहाँ पर उनसे मना कर देती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए लड़ाई हो, मैं इस बात को नहीं चाहती हूँ। इसी बीच में मेजर पेटकोफ ये कहते हैं ठीक है रैना की शादी उससे होगी, तुम में से उससे होगी जो तुम में सबसे ज़्यादा अमीर होगा। तो यहाँ पर बात, लेकिन इस अमीरी से पहले वो ये बात भी कहते हैं कि हाँ कि जो रैना की शादी उससे होगी जो हमारे दुश्मन देश का नहीं होगा। तो यहाँ पर ब्लेंडशेली ये खुलासा करता है कि मैं सर्बियन का नहीं हूँ बल्कि मैं तो एक प्रोफेशनल सोल्जर हूँ जो केवल एन्जॉयमेंट के लिए अपने अम्यूजमेंट के लिए लड़ता है, तो मैं तो सर्ब में एक प्रोफेशनल सोल्जर हूँ बल्कि मैं तो स्विट्जरलैंड का रहने वाला हूँ, स्विस का निवासी हूँ। और बात अब प्रॉपर्टी की आती है कि किसकी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर सर्जियस को लगता है भाई मेरी प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो रैना मेरी ही होगी। दूसरी तरफ ब्लेंडशेली जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का बखान करता है और बताता है कि स्विट्जरलैंड में उसके कई 5-star होटल्स हैं, तो 5-star कई होटल्स का वो मालिक है जो ब्लेंडशेली है, और सर्ब में वो प्रोफेशनल सोल्जर था तो केवल वो अम्यूजमेंट के लिए वहाँ जाता था, तो अब वो अपने प्रॉपर्टी का भी खुलासा कर देता है। तो इस बात से इम्प्रेस होकर सभी जो है वो डिसाइड करते हैं कि रैना की जो शादी होगी वो मेजर ब्लेंडशेली के साथ ही होगी। इसी बीच में जो सर्जियस होते हैं, मेजर सर्जियस, उनके अरमान टूट जाते हैं। अब मेजर सर्जियस बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लुका को प्रपोज कर देते हैं मेजर सर्जियस जो हैं, और लुका भी उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। लुका उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पर लुका ने जो स्वप्न देखा था कि वो किसी अमीर व्यक्ति से शादी करेगी, किसी एक रिच मैन से शादी करेगी, उसका वो स्वप्न भी पूरा हो जाता है। लेकिन अब अकेला रह जाता है निकोला, घर का नौकर निकोला। अब निकोला क्या करे, ऐसे में वो कहाँ जाए। इसी बीच में जो ब्लेंडशेली है वो ये स्टेटमेंट कहता है कि मैंने जो सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति यहाँ पर देखा, बल्गारिया में देखा, वो है निकोला। और निकोला से वो एक कमिटमेंट करते हैं कि अगर जो वो स्विस भाषा को सीख ले तो वो उसको अपने 5-star होटल का मैनेजर बना देगा। तो ये इस प्रकार से ये जो कहानी है इसकी एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है, सभी को एक गुड न्यूज़ मिलती है सभी, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप कि रैना और जो ब्लेंडशेली हैं वो आपस में मिल जाते हैं, सर्जियस और लुका मिल जाते हैं, और निकोला को एक कमिटमेंट मिल जाता है कि अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसके साथ ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी कहानी आर्म्स एंड द मैन, जो कि जी बी शाह के द्वारा लिखी गई है एंड एक्सप्लेन इन हिंदी बाय डॉक्टर सचिन गोस्वामी। उम्मीद है कि आपको दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर अभी तक भी आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट हापुड़।